अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब व्यूवर ठीक ठाक होंगे। और सुनाएं कैसे हैं। हम आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम आपको आज बताएंगे एक बाइक जो दोबारा रीट्यून कर रहे हैं हम। तकरीबन सारा पार्ट्स उसका जो नया डालना है वो नया डालेंगे, और जो पार्ट्स इसका पेंट होने वाला है या निकल वगैरह का या बफ का काम होने वाला है वो सारा इसका करवाएंगे। क्योंकि ये हमारे एक दोस्त हैं, उनका बाइक है, उन्होंने कहा था कि ये सेल आउट करना है। मैंने कहा इसे सेल आउट ना करें, क्योंकि बाइक बहुत कॉस्टली हो गए हैं। अब इसको हम दोबारा रीबिल्ड करते हैं। टोटल इसका सारा जो है सामान हमने खोला हुआ था, अब ये दोबारा तैयार कर रहे हैं हम। ये कस्टमर हैं हमारे, डिलीवरी बॉय भी, इन्होंने काम करवाना है बाइक का, तो एस्टीमेट लेने आए थे। ये अब्दुल वहाब है, मैकेनिक हमारा काम कर रहा है, और साथ ही इसके शागिर्द बैठा है जिशान। ये देखें इसके फ्रंट शॉक भी हमने बनाए हैं, शॉक सील्स वगैरह। इसके रॉड्स टेढ़े थे, एक्सीडेंट हुआ था शायद बाइक का, वो भी सेट करवाए हैं। और उसके बाद इसके शॉक सीलों का काम करके शॉकों के ऊपर हमने रबड़ इंस्टॉल कर दिए हैं। ये देखें इस बाइक का टोटल सारा काम करवा रहे हैं हम। वो जा रहा है अभी डिलीवरी बॉय। ये देखें एक तो ये देखने लग जाते हैं जब वीडियो में लेके आए इन्हें, तो चला गया। ये देखें जी दोनों व्हील भी इसके हुए हैं फाइनल, तारें वगैरह हर चीज़ इसकी साफ़ करवाई है। ये देखें इसका ऊपर हैंडल वगैरह भी हर चीज़ इसकी साफ़ करवाई है। ये हमारे दोस्त हैं महमूद और अहमद, अब्दुल वहाब के मोहल्लेदार भी हैं ये, और हमारे बहुत अच्छे कस्टमर भी हैं। ये देखें आकर हमारी लिफ्ट के साथ झूले लेना शुरू हो गया है। ये देखें ये हम दोबारा काम करने लग गए हैं। ये देखें इसका भी ये क्लच केबल वगैरह डाल रहे हैं। इसका काफ़ी काम हमने किया है, दोबारा रीबिल्ड किया है इसे, रीट्यून भी कह लें, मुकम्मल ट्यून अप भी कह सकते हैं आप। इसका जो जो सामान सारी बाइक का हमने चेक किया है, जो जो सामान डालना था सारा इसका डालने वाला नया डाला है सामान, और उसके अलावा जो चीज़ें इसमें नहीं लगनी थी वो नहीं लगाई हैं, बैटरी वगैरह होगी ऐसी चीज़ें, और कुछ पेंट का काम था, ब्लैक पेंट जिस जिस जगह पर होना था, थोड़ा बहुत जंग हो रहा था बाइक को, इस वजह से वो पेंट वाली चीज़ें पक्का पेंट करवाया जो भट्टी में रख के करते हैं स्प्रे पेंट। और उसके अलावा इसका सफाई का काम भी करवाया है, जो बफ वगैरह नट बोल्ट हर चीज़ इसकी साफ़ करवाई है। ये देखें एक्सल्स वगैरह सारी चीज़ें इसकी करवाई हैं। इस बाइक का ट्यूनिंग ऑयल भी हमने किया है, उसके अलावा गरारी सेट चेंज किया है इसका, बैटरी भी इसमें न्यू लगी है, उसके अलावा हेडलाइट का रिम स्टे हेडलाइट नया लगा है, और भी काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं इसमें, ग्रिप सेट वगैरह, लीवर सेट और पायदान वगैरह के फोटोस, रबड़ वगैरह के सेट सारे चेंज हुए हैं। और इसका मीटर ख़राब था, मीटर वाले से वो भी इसका रिपेयर करवाया है सारा हमने। आरपीएम मीटर भी और स्पीडोमीटर भी काम नहीं करता था, स्पीडोमीटर की केबल भी नहीं डल रही है, क्लच केबल भी नहीं डल रही है इसमें, एक्सलेटर केबल इसकी अपनी ही है, और ब्रेक केबल भी ठीक है इसकी। ये देखें ये क्लच लीवर नया ला दिया है इन्हें, पुराने में काफ़ी प्ले थी और ठीक नहीं था वो, क्लच लीवर ब्रेक लीवर दोनों नए डाले हैं हमने। वहाँ माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव काम करता है, शागिर्द पास खड़े भी एक्टिव रहते हैं, कहीं उस्ताद गुस्सा ना कर जाए, क्योंकि जब काम हो रहा था तो काफ़ी सीरियस रहना पड़ता है काम के मामले में, तब ही काम जो है मुकम्मल अपने मंजिल तक पहुंचता है। इसका टेक जो पीछे कैरियर लगा हुआ था वो भी पेंट करवाया हमने दोबारा, इसका सेफगार्ड भी पेंट हुआ है दोबारा रीन्यू, भट्टी वाला पक्का कलर हुआ है, और जहाँ पे वो स्विच वाला स्विच इंस्टॉल होता है वो ब्रैकेट होती है, उसको ऐनक भी बोलते हैं बाज़ मैकेनिक हज़रात, तो
तो उसको भी पेंट दोबारा करवाया हमने, क्योंकि वो चाबी वगैरह के निशानात लगकर काफ़ी ख़राब हो चुका था उसका पेंट भी, और साथ ही इसका मीटर नीचे से भी बंद था, वो भी चालू कर रहे हैं। मीटर गियर होते हैं, आपको पता होगा, इसके व्हील के अंदर होते हैं, लेदर प्लेट में मीटर गियर गरारियाँ भी बोलते हैं, तो वो पानी की वजह से अक्सर जाम हो जाते हैं। उनको भी सेट किया है, ग्रीस वगैरह लगा कर उनको रनिंग में लेके आए, और मीटर अब इंशाल्लाह इसका चलेगा ज़रूर। इसमें अभी बैटरी पुरानी है, सारा काम होने के बाद ही इसमें बैटरी भी नहीं इंस्टॉल करनी है, एंड में इसकी पानी की सर्विस भी करवाएंगे, वॉशिंग सर्विस वगैरह भी। अभी गरारी सेट इंस्टॉल होने वाला रहता है, तकरीबन ये जो है बाइक हो जाएगा फाइनल। ये देखें इसकी किक वगैरह भी निकल करवाई है दोबारा, किक की रबड़ भी नहीं डलेगी, वो भी डालनी है, पायदान की रबड़ें नहीं। सलेंसर ठीक था, अभी सलेंसर का पेंट करवाते हैं तो दोबारा गर्म होकर वो पहले से भी ख़राब लगने लग जाता है, इसलिए सलेंसर का पेंट नहीं करवाया हमने। मफलर का पेंट वही है पहले ही ओरिजिनल। बाज़ लोग मफलर को भी समझते हैं, सलेंसर भी समझते हैं, तो इसलिए दोनों ही नाम होते हैं इसके, सलेंसर भी कहते हैं मफलर भी कहते हैं इसे। ये देखें इसके साइड पे पट्टी होती है पायदान के साथ ही, जहाँ पे पाँव रखते हैं ताकि इंजन के साथ पाँव ना टच हो। स्टे भी कहते हैं उसे, स्टे ब्रैकेट होती है ये पाँव की, वो भी लगा दी है हमने। इसके ब्रेक पैडल और गियर लीवर की बैक साइड पे जो रबड़ होती है वो भी इंशाल्लाह इसमें इंस्टॉल करेंगे, ब्रेक सेट कहते हैं इसे, ब्रेक रबड़ सेट। माशाल्लाह बाइक का काम काफ़ी अच्छा हो गया है। असल में ये जब से बाइक ली थी भाई ने, उस वक्त से इसका मेन काम कोई भी नहीं हुआ था, ट्यूनिंग ऑयल वगैरह ही होता रहा था, ग्रे सेट भी पहले ही था, अभी चेंज हुआ है दोबारा, ब्रेक शू वगैरह हर चीज़ इसकी चेंज हुई है, और पार्ट्स ओरिजिनल ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि नॉर्मल सामान या तो कस्टमर अपना लेके आता है तो हम इंस्टॉल कर देते होते हैं, हम जो कि बेसिक ओरिजिनल सामान ही यूज़ करते हैं जो कंपनी का आता है। ओरिजिनल सामान की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, देर पर चलता है और रास्ते में धोखा नहीं देती कहीं भी बाइक हमारी। दूसरा सामान डलवा कर जहन में टेंशन ही रहती है, तो इसलिए ज़्यादातर फोकस यही होना चाहिए कि ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ करवाया करें कस्टमर हजरात भी अपने बाइक्स में, या तो मतबादल अच्छा पार्ट्स मिले तो फिर भी है कोई जैपनीज क्वालिटी का, नहीं तो सामान जो है वो ओरिजिनल ही लगवाना चाहिए अपने बाइक्स में, रास्ते में दुश्वारी से बच जाएंगे फिर। अभी इसकी हेडलाइट इसलिए नहीं फिट की क्योंकि इसका मीटर अभी रिपेयर करवा कर फिर एंड में फ़िट करेंगे। इसके टैबलेट वगैरह भी कर लिए थे हमने, टैबलेट कवर अभी लगाने हैं वापस। माशाल्लाह तमाम कस्टमर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बाइक्स को सेल करने से बेहतर है कि उसका काम टाइम पर करवा लिया करें। ये देखें ये जो हमारे दोस्त आए थे महमूद और अहमद, ये दोबारा आ गए हैं, इनके हैंडल में प्रॉब्लम थी, हैंडल काफ़ी लूज़ था, वो टाइट कर दिया है और अब ये जा रहे हैं वापस। पहले सेट किया थे, चेक करने गए थे, कहते नहीं थोड़ा और टाइट कर दें हैंडल, ये हैंडल ओवर एडजस्ट किया है, अब कहते हैं चेक करेंगे ठीक होगा इंशाल्लाह, नहीं तो अगर कोई भी काम निकले बाइक में हमें लाजमी चेक करवा लिया करें। हम शॉप पर डेली रेगुलर आते हैं, फ्राइडे के अलावा, फ्राइडे को ऑफ होता है हमारा, हम रेगुलर आते हैं अपने कस्टमर के सर्विस के लिए ही आते हैं, कस्टमर को ताकि सर्विस अच्छी मिले। ये देखें ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह बाइक फाइनल हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह सफाई वगैरह करवा रहे हैं, केबलों के आयलिंग वगैरह काम सारा फाइनल हो गया है। अभी इसका मीटर जो है वो आरपीएम वगैरह जो हमने खुद ही सेट कर लिया है। हम दोबारा आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि जिस व्यूवर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ व्यू कर सकें। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें हमारा और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताया करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी है और
कोई भी चीज़ हमें पूछनी हो तो कमेंट में पूछें, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। इसका मीटर भी खुला हुआ है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ओके।